प्लाज्मा दान कर कोरोना मरीजों को नई जिंदगी देने के उद्देश्य से सीतापुर आई हॉस्पिटल के सभागार में प्लाज्मा दान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला अधिकारी के विजेंद्र पांडियन के अलावा उप जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी सुनीता पटेल, डॉक्टर राजकिशोर, डॉक्टर आराधना सिंह, डॉक्टर विजय श्रीवास्तव, डॉक्टर रामेश्वर मिश्र सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने प्लाज्मा दान करने के लिए अपने ब्लड सैंपलिंग के लिए दिया। इसी के साथ दर्जनों लोगों ने भी प्लाज्मा दान करने के लिए ब्लड का सैंपल दिया। इस दौरान प्लाज्मा का दान करने दूसरों की जिंदगी बचाने वालों को जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने लोगों से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा लोग आगे आकर प्लाज्मा दान करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को जिंदगी को बचाया जा सके। इस मौके पर उप जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी सुनीता पटेल ने बताया कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज से कोरोना मरीजों के लिए प्लाज्मा हेतु इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम से फोन आता था और उनके परिजन भी परेशान होते थे, जिससे प्लाज्मा पर काम करने की आवश्यकता महसूस हुई। उसी के तहत कैंप लगाकर प्लाज्मा दान के लिए ब्लड सैंपल लिया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला अधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने कहा, देने वाले से और करने वाले स्वागत किया जाए। पधारे हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय डीएम साहब, भी ऐसी शक्ति है, शख्सियत है जिन्होंने लोगों की मदद की और मदद वास्तव में वार्ड में जाकर के करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। डॉक्टर राजकिशोर सिंह सर से यहाँ पे असली वॉरियर्स मौजूद हैं जिन्होंने इस जंग को बड़ी बाखूबी से लड़ी है। प्लाज्मा डोनेशन को लेकर के किया है प्लाज्मा, क्योंकि प्लाज्मा डोनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन तो तमाम लोगों ने कराई, लेकिन डोनेट करते समय काफी लोग उसमें कहीं ना कहीं से पीछे हटने लगे। और ये बच्ची एके है और एक पूजा पांडे, जिसको आप जानते हैं सर, हमारी जो आशा ज्योति केंद्र की इंचार्ज, इन दोनों बच्चियों ने एक साथ डोनेट किया और इनके प्लाज्मा से लोगों की जान बचाई जा सकी। इसी तरह से और इन लोगों ने प्लाज्मा डोनेशन को लेकर के आप दोनों चीजों एज अ डॉक्टर और एज अ जी, जो रोगी रोग से लड़ के निकल लेते थे उसी रोग में अंदाज से लोग उसका ब्लड चढ़ाते थे, तो बहुत सदियों से इसका उपयोग होता है। और एक तरह से समझिए कि इसमें कोई केमिकल हम नहीं देते हैं, एक मनुष्य का प्लाज्मा लिया दूसरे मनुष्य में दिया, तो एक तरह से बिल्कुल सेफ होता है। वो तो प्लाज्मा लगते ही खत्म हो गए, हम प्लाज्मा मांगते हैं और लोग कहते हैं कि नहीं। काफी प्रयास के बाद इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, काफी अच्छा लग रहा है कि उन लोगों ने प्रयास किया तो कुछ लोग आगे आए हैं। एक बार करीब 15-20 दिन पहले पीजीआई में एक मरीज एडमिट था और उसके परिजन उसके लिए बहुत परेशान थे, हमारे पास फोन आया तो काफी प्रयास करने के बाद 2 दिन का समय लग गया और तीसरे दिन उसको प्लाज्मा हमने डोनेट कराया। फिर अपने बीआरडी से भी फोन आने लगे कई लोगों के, तो स्टॉक ना रहने की वजह से काफी प्रयास करने के बाद प्लाज्मा हम डोनेट कराते थे। तो सर से फिर हमने अनुमति ली कि सर कहिए तो फिर इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल रूम से प्लाज्मा पे काम कराया जाए, तो सर ने अनुमति दी कि ठीक है आप लोग काम कराइए। फिर हमने टीम लगा के एक फॉर्मेट बनवा के काम कराया और काफी नाम आगे आया, फिर सर आगे बने हैं और हम लोगों के उनका मनोबल बढ़ाने के लिए और जो लोग दे चुके हैं उनको सर के द्वारा एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाए। अमित कुमार इन्होंने प्लाज्मा डोनेट किया, प्लाज्मा लिया लोगों
चेस्ट में मतलब उसमें सीटी स्कैन में 9.25 हम लोग उसका तो समापन के तौर से नहीं मानेंगे। एक तरफ से लड़ाई जारी है, कोई बात चल रहा है, कोविड में कोई मौत नहीं हुआ है गोरखपुर में, ना के बराबर कैसे रिपोर्ट हो रहा है। हम लोग 3000 टेस्ट पर डे करते हैं, कहीं 15 से 20 केस पर डे रिपोर्ट होता है। नॉर्मली रिपोर्ट होता है वो ठीक भी हो जाता है। इस समय में एक्टिव केस मेरा 220 के आसपास है और मैंने भी ज्यादा हो चुके। और इस पे एक चीज ये भी है ताकि जो अभी समय में मरीज अफेक्ट होकर आ रहे हैं, बुजुर्ग से आ रहे हैं, थोड़ा उम्र ज्यादा लोग आ रहे हैं, कई तो 70-80 सीधे पे लोग आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से इन लोगों का कोविड अफेक्ट हो जाता है। उनको बचाने में हम लोग को बहुत परेशान करना पड़ता है, कटिंग हो जा रहा है। राजकिशोर जी से भी हमसे तो बात होती रहती है, और प्लाज्मा इस समय में आप देते हैं इसे वाकई में जान बचता है। तो वैसे उन्होंने बताया था 7 दिन में यदि प्लाज्मा और रेमडेसिविर जो कॉम्बिनेशन लगा कर ट्रीट कर लेते हैं उससे उनका रिकवरी बहुत अच्छा हो जाता है। बहुत लोगों का देखिए कोविड के बाद पोस्ट कोविड काफी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुआ है, बहुत लोगों का फिब्रोसिस डेवलप हुआ है, बहुत लोगों का स्ट्रोक डेवलप हुआ है, हार्ट का प्रॉब्लम डेवलप हुआ है। अब इसलिए तो जो कितने लोग कोविड से अफेक्टेड है, आप एक तो मैंने कहा जरूर पूरा टोटल जांच करा लीजिए आपके शरीर का, हो सकता है कुछ पैरामीटर थोड़ा खराब हुआ हो उसको सही कराना पड़े। मुझे भी तो पिछले अक्टूबर 10 में मैं रिकवर हुआ हूँ, नवंबर अंत तक थकावट बहुत रहा है, स्टेमिना में अच्छा असर पड़ा इसी बीमारी का, उसी की वजह से काम धीरे धीरे हमने शुरू किया था। फिर उसके बाद अभी एक्सरसाइज करा के तो स्टेमिना बढ़ाने के लिए काम कर रहा हूँ। बाकी जो एज किसी एज में रहते हैं उसी के हिसाब से कॉम्प्लिकेशन होता है, किसी के पहले डायबिटिक है उनका तो ज्यादा हो जाता है, बीपी शुगर होता है तो उसका कॉम्प्लिकेशन बढ़ता है। इसके मैंने जरूर उसको कम से कम 4-5 महीने के लिए आपका पैरामीटर वॉच करके लीजिएगा। और ये प्लाज्मा डोनेशन भी एक समय सीमा ताकि ज्यादा से ज्यादा 4 महीने तक ही आप कर पाएंगे, ताकि वो एंटीबॉडी आपका शरीर में उतने ही रहता है, उसके बाद फिर WBC अपने स्ट्रक्चर चेंज कर देता है फिर हो जाता है। दूसरा ये खून देने वाली चीज है कि पूर्वांचल में इधर टैबू टाइप का हो गया, लेकिन ब्लड डोनेशन बाकी जगह रूटीन में होता था, यहाँ तो पता नहीं, यहाँ पता नहीं कैसे ये इन लोग मन में वो आ जाता है, कमजोर हो जाता है आदमी और बेहोश हो जाते हैं, ये सारे बहुत सारे तरह से गलत फहमी है इसको मन का, इसको तोड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं हर साल 2 बार में खुद में डोनेट करता हूँ और सभी के सामने करता हूँ, इससे कोई असर नहीं। हम लोग एक तरफ से लास्ट स्टेज पे है कोरोना लड़ाई, बिल्कुल हम लोग मार्च से लेकर के आपके लड़ते आ रहे हैं। अब 21 में अभी इस साल हम लोग शुरुआत संभवतः 15 जनवरी के आसपास वैक्सीनेशन के साथ ही इस साल शुरू होगा, उम्मीद है। ये तो बीमारी जो आया है एक साल पूरे दुनिया के हिला के रखा है, उसका हम इसी साल मिटा देंगे, बट उसका तो अकेले किसी एडमिनिस्ट्रेशन का, अकेले किसी चिकित्सक का काम नहीं है, सब मिलजुल करके हमें लड़ाना होगा। खास तौर पे जो प्लाज्मा में असर है, अब डॉक्टर साहब ने आपके पहले ही बताए थे उस पर, इसका बहुत अहम भूमिका है उसका। यदि सही समय में यदि प्लाज्मा हम लगा देंगे उनका रिकवरी बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सारे लोग का जान को हम बचाए हुए हैं। गोरखपुर में पिछले 3-4 महीने से पहले से हम लोग प्लाज्मा के जरिए से थेरेपी ट्रीटमेंट कराते आ रहे हैं,
जिससे बहुत लोग जान बचा के निकल भी गए। इस कैंप इसलिए तो खासतौर पर आर्गेनाइज किया, मैं खुद कोरोना से पीड़ित हुआ हूँ, मुझे पता है उसका क्या तकलीफ रहा, मेरा पूरा परिवार पीड़ित रहा है एक तरफ से, और यहाँ जो डॉक्टर राजकिशोर साहब है उनका मैडम है वो भी परेशान रहे हैं तो कोरोना से, जो प्लाज्मा की वजह, मुझे तो प्लाज्मा की ज़रूरत तो नहीं पड़ा है, खासतौर पर जो बुज़ुर्ग लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, उन लोग का प्लाज्मा का बहुत ज़रूरत पड़ता है, उसी से बहुत लोगों का जान बचता है। एंड यहाँ जो किसी ना किसी वजह जो किसी मन में जो भय होता है, जो ब्लड डोनेशन के लेके एक तरफ से अफवाह है, एक तरफ से थोड़ा टैबू कहते हैं उसको, उसी का तोड़ने के लिए हम लोग आगे आए हैं। बहुत सारे गोरखपुर में लोग प्लाज्मा डोनेशन किए थे, मैं भी खुद देने वाला हूँ, आज मैं सैंपल दिया हूँ, और बाकी लोगों को भी प्रेरित करता हूँ, हमारा खून से, हमारा प्लाज्मा से और किसी को जान बचा सकते हैं तो इससे बेहतर हम तो कोई जनता को, जीवन को, भगवान को सेवा कर ही नहीं सकते। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, अपील करता हूं, आप बिना भयभीत होकर के आकर के प्लाज्मा का, यदि आप कोरोना से पीड़ित है तो इस पे जो थोड़ा क्राइटेरिया होता है, आप यदि तो कोरोना का मरीज वे हो, आपको 28 के दिन के बाद 4 महीने के अंदर आप दे सकते हैं, उसका तो एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, किसी के काउंट अच्छा है, 3 को ऊपर होता है तो उन्हीं का ले ली जाएगी, ज़रूरी नहीं है सभी लोग का ले लें, और उनका वजन और उम्र और जो महिला पुरुष सारे चीज़ सेलेक्ट करके हम लोग लेते हैं, और प्लाज्मा के लिए बैंक भी बना हुआ है यहाँ, प्लाज्मा से बहुत लोग जान बचा सकते हैं। यहाँ गोरखपुर में तकरीबन 23,000 लोग कोरोना से अफेक्ट हुए थे, 3,500 के आसपास लोग हम लोग नहीं बचा पाए किसी न किसी वजह, बाकी लोग हम बचा लिए, उससे प्लाज्मा में भी बहुत लोग का जान बचाया गया है। और मैं अपील करता हूँ, यहाँ तो 23,000 लोग जो गोरखपुर में जो कोरोना से पीड़ित हुए, आप जानते हैं, आप दर्द जानते हैं कितने तकलीफ होता है इस बीमारी में, आप लोग यदि किसी का जान बचा सकते हैं, ये अच्छा अवसर है, अच्छा मौका है। इस साल यदि प्लाज्मा थेरेपी और पहले जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चल रहा उसके साथ साथ यदि कोविड वैक्सीनेशन भी लग जाएगा, ये बीमारी तो इसी साल तो मिटी जाएगा मिट्टी से। मैं आपसे यही अपेक्षा करता हूँ, बिना भयभीत होकर के आकर के प्लाज्मा का डोनेट करिए। धन्यवाद।